और अब खबर कौशाम्बी से, जहां पर चायल में रिटर्निंग अफसर और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से बड़ी गड़बड़ी हुई है। जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 21 की प्रत्याशी पूनम देवी की जमानत राशि शुल्क रसीद गायब कर दी गई, जिसको लेकर प्रत्याशी पूनम देवी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। प्रत्याशी पूनम देवी ने बीते 18 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल किया था, जहां नामांकन पत्र की जांच कर अधिकारी ने रिसीविंग पत्र दिया था। वहीं अप्रत्याशी के प्रस्तावक ने मामले की जांच के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है, दोषियों पर कार्रवाई करने को कहा है, साथ ही जांच नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की बात भी कही। वहीं जब इस मामले में अधिकारियों से बात करना चाहा तो किसी ने भी कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया। दाखिल करवाया था और किस चीज का पर्चा? जिला पंचायत सदस्य का नहीं, वार्ड नंबर 21 का नहीं। हाँ। और उसमें हमें 21 तारीख को चुनाव चिन्ह मिलना था। अच्छा, वो 21 तारीख को चुनाव चिन्ह लेने आए तो बोले शाम तक लगेगा, आपको चुनाव चिन्ह मिलेगा। वहाँ पे शाम तक हम लोग वेट किया लेकिन नहीं मिला, तो बोले कि नहीं आप अगले दिन आए। तो अगले दिन आए तो उसमें बोले कि नहीं आपका नहीं पर्चा ही रसीद संख्या गायब है। हमने अपना 21 नंबर वार्ड से जिला पंचायत सदस्य का पर्चा दाखिल किया, जिसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, जमानत राशि रसीद, मेरा निवास प्रमाण पत्र, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे मौजूद थे। वहां मौजूद अधिकारियों ने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके और मुझे रिसीविंग पत्र भी दिया उन्होंने। उसके बाद 21 तारीख को चुनाव चिन्ह मिलना था, हम वहां गए, वहां जाके हम देखते हैं लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं है।